करना चाहता हूँ। होता यह है कि शायर जब अपनी शायरी लिखता है तो एक सफ़र शुरू करता है और ये सफ़र अंजाम तक पहुँचता है, उसके लेकर शायरी की किताब तक, जिन मरहलों से, जिन पेचीदगियों से और कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ता है वो बहुत अहम होती हैं। और यूँ समझिए कि अच्छा खासा एक मरहला होता है, मैं अपने गज़ल के एक मतले से इसको साफ करना चाहूँगा कि कितने वो हवादिस के सांचे में ढला होगा, कितने वो हवादिस के सांचे में ढला होगा, फिर जाके कोई शीशा आईना बना होगा, फिर जाके कोई शीशा आईना बना होगा। शायरी और शायर पर, उस पर तमाम माहौल, उसका घर का माहौल, उसके शहर का माहौल, उसके मुल्क का माहौल बहरहाल असरअंदाज होता है। मैं जहाँ तक अपने घर का माहौल के मुताल्लिक अर्ज करूँ तो मैं ये कहूँगा कि मेरे बड़े भाई साहब जनाब मकबूल हसन, जो कौतब झांसी तखल्लुस करते हैं, रेलवे के रिटायर्ड इंजीनियर, मेरी इब्तदाई शायरी में उनकी रहनुमाई कारफरमा रही। उसके बाद जब सफ़र आगे बढ़ा तो न सिर्फ मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त और क्लास फेलो मरहूम कश्मी साहब, उनकी अच्छी सोबतों से मुझे बहुत फैज मिला और ये सिलसिला काफ़ी अर्से चला, लेकिन हमेशा कोई कभी साथ नहीं दे पाता। मैं ने जब अपने अजबी शऊर की आंखें झांसी में खोली, ये ज़माना था 1956-7 का, जब मैं आगरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस वक्त झांसी का अजबी माहौल, जिसमें रवायती शायरी, जिसे ट्रेडिशनल शायरी भी कहते हैं, उस वक्त बहुत अच्छे शोरा यहाँ पर अपना काम कर रहे थे, जिनमें सरे फहरिस्त थे जनाब नवाब झांसी साहब, जिनके साथ जाते सरोज झांसी यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं उनका एक शेर पेश करूँगा कि फरिश्ते करते हैं जिक्र अब तक फलक पे यूं मेरी बेबसी का, कि नवाब झांसी साहब का शेर है कि फरिश्ते करते हैं जिक्र अब तक फलक पे यूं मेरी बेबसी का, बड़ी मुसीबत है आदमी पर, बड़ा कलेजा है आदमी का, बड़ी मुसीबत है आदमी पर, बहुत कलेजा है आदमी का। और दूसरे शायर जो यहाँ पर थे वो तपिश मेघपुरी थे, ये भी रवायती शायरी और शायरी के बेहतरीन शायर थे। उनका एक शेर समाज फरमाइए कि सदा आती है ये शाम व सहर गोरे गरीबा से, सदा आती है ये शाम व सहर गोरे गरीबा से, कि अहले जिंदगी आकर माले जिंदगी देखें। एक दूसरे शायर जनाब हाफिज नफीस साहब, अच्छे शायर थे, अपने शेर में उन्होंने यूँ कहा है कि देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो ये था वो पस मंजर जिसमें शायरी सफर, शायरी का सफर शुरू हुआ और आज इस रस्म इजरा के तौर पर इसका सिलसिला अभी चल रहा है। तो इन कलमात के साथ मैं अपनी गज़ल के चंद शेर पेश कर रहा हूँ। समाज फरमाइए, मतलब यह है कि उनको झूठा यकीन दिलाने को, उनको झूठा यकीन दिलाने को, हम भी हंसते रहे दिखाने को, हम भी हंसते रहे दिखाने को, उनको झूठा यकीन दिलाने को, और तोड़ कर दिल न रंग कर हमदम, तोड़ कर दिल न रंग कर हमदम, दिल तो होता है टूट जाने को, दिल तो होता है टूट जाने को, तोड़ कर दिल न रंग कर हमदम। शेर किया कि थक गए
हम पे वो सितम करके, थक गए हम पे वो सितम करके, आए जो जब तक मारे को, आए जो जब तक मारे को। आखिरी शेर कि उसने बस जी के घर जला डाले, उसने बस्ती के घर जला डाले, उसने बस्ती के घर जला डाले अपने घर का दिया जलाने को। उसने बस्ती के घर, उसने बस्ती के घर जला डाले अपने घर का दिया जलाने को। और पक्का किया है कि वो भी बेचैन हो गए साहबा, वो भी बेचैन हो गए साहबा, बात दिल की लबों पे लाने को, बात दिल की लबों पे लाने को। हम भी हंसते रहे दिखाने को, हम भी हंसते रहे दिखाने को। शुक्रिया साहबा साहब। बाबूजी आ गए हैं हमारे, राजेंद्र गुप्त साहब अभी कैसे गए, और प्रदीप जी अभी अभी गए हैं कि बाबूजी आ रहे हैं, तब तक हम लोग भी आ रहे हैं, तो आप यकीन जानिए कि वो भी आ जाएंगे।